Hi guys and welcome back to my YouTube channel. Today is 28th of July and I would like to start this video with a very very fun fact. और वो fun fact ये है कि जो वो subscribe का button दिख रहा है उस पे अगर तुमने click किया और subscribe किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए पैसे नहीं लगेंगे. दिस इज़ अ फन फैक्ट बिकॉज बहुत लोगों को अपेरेंटली पता नहीं है ये, बट नहीं लगते उसके पैसे. तो सब्सक्राइब टू माई चैनल नाउ, करो अभी. कर लिया? सो लेट्स गेट इन टू द वीडियो. ओके, सो फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो, इस साल कॉमनवेल्थ गेम्स बर्मिंघम में हो रहा है. सो बर्मिंघम इज़ होस्टिंग द गेम्स एंड पूरे सिटी को बहुत अच्छे से डेकोरेट करके रखा है. एंड उधर शाम को एक विक्टोरिया स्क्वायर करके जगह है, तो वहाँ पे रोज़ शाम को कुछ ना कुछ होता है. तो मैंने सोचा कि आज मैं तुमको दिखाऊंगी कि कैसे सिटी को सजाया है एंड व्हाट ऑल हैपेंस एट द विक्टोरिया स्क्वायर. क्योंकि गेम्स के अंदर तो नहीं जा पाऊँगी मैं, मेरे पास टिकट्स और पासिस नहीं है. और वो तुम टीवी पे भी देख सकते हो. तो मैं बाकी सब बाहर का दिखाऊंगी आज. चलो. ओ एंड बाय द वे, मैंने मेरे आज बाहर कॉल किए थोड़े से. मेरे को वैसे आदत नहीं है बहुत, बट आज मैंने सोचा कि मैं करके देखती हूँ. क्योंकि मैंने ये ख़रीदा है, ये यंत्र कॉर्डलेस है ये, और उसका नाम क्रेजी ब्यूटी है. ऐसे तो इससे कॉर्डलेस होता है ये, बस इसको ऐसे यहाँ से दबाना पड़ता है एंड यू कैन चार्ज इट ऑल्सो. और फिर कहीं ट्रैवल फ्रेंडली है, कहीं पर भी लेके जा सकते हो. ये स्पॉन्सर्ड नहीं है. अरे बहुत फास्ट जा रही हूँ मैं. फूल पत्ते सुंदर, ये इसे तोरण लगाए हुए ऊपर. ये यूनियन है बाय द वे मेरे सब. ये मॉन्यूमेंट है. कुछ तो है ये, चर्च कैथीड्रल दोनों में से कुछ तो है. ये हाई स्ट्रीट है, मतलब सब रेस्टोरेंट्स और एवरीथिंग इधर रहता है. और ये ऐसा इसको डेकोरेट किया है सुंदर. जितना पास से कौन लेता है वीडियो, पहली बात तो आंख में डाला तो डायरेक्ट मेरे पे. So this is the Victoria Square. This is the museum. और यहाँ पे ढोल बज रहा है. ये सब बहुत क्यूट सा एक फाउंटेन है यहाँ पे एंड यू कैन सिट हियर. सामने से सुंदर सी बिल्डिंग, ये कुछ म्यूजियम है कोई, तो पता नहीं क्या है, मैं नहीं आई कभी. और वहाँ पे वो सब हो रहा है. क्यों? वाह कितनी बोर. हमको बहुत ज़्यादा बोर हो रहा था इसलिए हम निकल गए वहाँ से, क्योंकि ऐसा कुछ था नहीं वहाँ पे करने जैसा. लोग पता नहीं क्या कर रहे थे और ऊपर से हम थोड़ा पेट भी दुख रहा था. तो फिर हम अभी निकल गए हैं और थोड़ा सा सामान लेना था ग्रोसरीज के लिए, क्योंकि आज मैं बना रही हूँ बटर चिकन. तो फिर वो ग्रोसरीज
ग्रोसरीज ली अभी और बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है चीज़ें इन्फ्लेशन की वजह से, तो अभी वो सब लेके मैं जा रही हूँ घर। आई एम होम और मैंने कपड़े बदल लिए एंड अभी मैं बनाने वाली हूँ बटर चिकन फॉर डिनर एंड मेरा मेरे फ्रेंड के साथ ये लगा है कॉम्पिटिशन बिकॉज ही इज़ ऑल्सो मेकिंग बटर चिकन टुनाइट, सो किसका बेटर है ये तो टेस्ट टेस्ट करेंगे तब आई थिंक मैं दिखाऊंगी अगर मैंने उसके पहले नहीं खा लिया तो। बट इनिशियली आई हैड थॉट कि मैं दिखाऊंगी द प्रोसेस क्योंकि मुझे किसी ने बोला था इन माई Q&A कि आई शुड डू सम कुकिंग वीडियोज ऑल्सो, बट देन आई थॉट कि नॉट एवरीबडी इज़ कम्फर्टेबल लुकिंग एट चिकन जो वेजिटेरियंस होते हैं वो। मैं इसका फाइनल आउटकम दिखाऊंगी फॉर श्योर, तो लेट्स गेट इनटू इट, नॉट यू जस्ट मी, आई विल गेट इनटू इट। बाय, बटर चिकन इज रेडी, यम, टाइम फॉर अ टेस्ट टेस्ट। टू गुड, पैट पैट। Hi guys, good morning. It's the next day. ये मैंने यहाँ के अलग दिख रहे हैं कर्ल्स और यहाँ के अलग दिख रहे हैं क्योंकि मैंने सब लेफ्ट वाले सेटिंग पे करके किया था। कुछ नहीं कर सकते, ये पीछे रख देने का, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। टुडेज प्लान इज नथिंग, आई थिंक मैं जाऊँगी शाम को क्योंकि मुझे मेरी बर्थडे ट्रिप के लिए कुछ तो ख़रीदना है, ऐसा ड्रेस या फिर ऐसा कुछ, तो फिर वो लेना है। और मैं जब इंडिया गई थी तब मेरा लिपस्टिक घूम गया था जो मैंने लिटरली एक वीक पहले ख़रीदा था, तो मुझे लिपस्टिक भी ख़रीदना है। और मैं इतनी मटेरियलिस्टिक नहीं हूँ गाइस, वो ब्लॉग में पता नहीं क्यों उभर के आता है, बट हाँ आज यही करना है मेरे को। और मैं कल शाम को गई थी जो मैंने दिखाया कॉमनवेल्थ का, और मैं जल्दी घर आ गई एज आई टोल्ड यू क्योंकि मेरा थोड़ा पेट भी दुख रहा था और हमको थोड़ा बोर भी हो रहा था क्योंकि तब कुछ भी नहीं था, हम लिटरली 15-20 मिनट्स के लिए बैठे और फिर बोर रहा था तो हम निकल गए। और फिर बाद में पता चला कि बहुत ढांसू शो हुआ बाद में क्योंकि कल ओपनिंग सेरेमनीज थी तो पूरे जेट्स वगैरह गए ऊपर से, फायर वर्क्स का शो था या ऐसा कुछ, तो बहुत सही रहा। तो वो तुमको नहीं देखने मिला, वो किसी और के YouTube वीडियो में देख लेना, मेरे इससे ऐसे ही काम चला लो अभी तो। हाँ वो एक थोड़ा बुरा लगा मेरे को कि मैंने और थोड़ा रुक जाना चाहिए था, बट वॉट एवर, मैं भी दूसरे किसी के YouTube वीडियो में देख लूँगी। सो यार दिस इज़ इट फॉर नाउ, और शाम को मैं जाऊँगी तो फिर मैं लेके चलती हूँ तुमको भी। यहाँ पे पता है यहाँ पे बैठ के मुझे ये करना बहुत ही ऑकवर्ड होता है, ऊ डैंड्रफ, बहुत ऑकवर्ड होता है क्योंकि मेरे सामने वगैरह भी खिड़कियाँ हैं जिधर से लोग अपनी आँखों से देख सकते हैं मुझे ये ऐसे वीडियो शूट करते हुए। मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड्स मेरे जस्ट अपोजिट रहते हैं तो फिर वो तो उड़ाते ही है मेरी, बट यही है जो है। ओके बाय, मैं हमेशा बाय क्यों बोलती हूँ ये कट करने से पहले, ये मेरा स्टाइल है आई थिंक। ओके बाय। मैनी आवर्स लेटर और बहुत सारा टाइम पास करने के बाद आई एम गोइंग आउट, दिस इज माय आउटफिट, कम्फी समर के लिए परफेक्ट। जी इतना बंदा मिल रहा है क्योंकि ट्यूसडे को मैं निकल रही हूँ फॉर माई बर्थडे ट्रिप, तो बाय द टाइम ये व्लॉग लाइव जाता है तब तक मैं मेरे ट्रिप पर रहूँगी। तो हाँ मेरे पास सिर्फ मंडे का दिन बचेगा, बट आज जाके जो भी थोड़ा बहुत ले सकती हूँ मैं वो लेके आती हूँ। लेट्स गो। रुक क्या नौ बजे बिक गई है इसको,
मैं नहीं आ रही उधर। क्यों, ये क्या बकवास कर रही है? आई एम बैक और मैंने ये दो चीज़ें खरीदी है। मुझे बहुत टाइम से काइली का खरीदना था लिपस्टिक, सो काइली का एक है और ये मेरा जो घूम गया था हुडा ब्यूटी का, ये मैंने कोई और शेड में लिया है, तो अभी मैं ट्राई करके दिखाती हूँ दोनों भी शेड्स। बी बैक। दिस इज हाउ इट लुक्स। बहुत न्यू शेड है जैसे कि मुझे चाहिए था, क्योंकि आई डोंट लाइक वेरी लाउड शेड्स, तो मुझे लगता है कि इतने अच्छे नहीं दिखते, तो मैं लगाती नहीं होता। मैं न्यूड्स लगाती हूँ तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। एवरी डे न्यूड, नाइस। दिस इज हाउ द सेकेंड शेड लुक्स लाइक। दिस इज द हुडा ब्यूटी वन इन द शेड स्वीट टॉकर। मुझे लगा कि थोड़े से सिमिलर ही है, बट दिस वन इज डार्कर, तो इस पर थोड़ा सा पिंक टिंट वगैरह लगा के शायद अलग दिखेगा। एंड जो काइली वाला था उसका शेड का नाम है बिल्ट टू लास्ट। थैंक्स गाइस। ये है मेरी शॉपिंग। मंडे को जाऊंगी मैं ड्रेस खरीदने। ओह एंड आई जस्ट रियलाइज्ड कि ऐसे मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं जो मैंने अब तक पहने नहीं है, तो मैं एक बहुत रिस्पॉन्सिबल और अच्छी लड़की बन हूँ, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि आई एम नॉट गोइंग टू बाय एनीथिंग फॉर माई बर्थडे, मतलब कपड़ों में। तो मैं सॉर्टेड हूँ वैसे कपड़ों के इसमें। तो अभी मैं बना रही हूँ डिनर, जो और डिनर में बना रही हूँ मैं पत्ता गोभी की सब्ज़ी। अपेरेंटली पत्ता गोभी पता नहीं किससे बनी है, इतनी ज़्यादा कड़क है, कट ही नहीं रही है सी, और मैंने इसको नाइफ को धार भी करा था, अभी कट ही नहीं रही है। Oops. Ow. Idiot. तो हाँ मैं आज दिखा सकती हूँ मैं पत्ता गोभी की सब्जी कैसे बनाती हूँ। और मेरे को इतना इरिटेट हो गया कि मैं लिटरली हाथ से एक एक पत्ता काट के डालती हूँ उसमें। बट दिस इज नॉट हाउ यू आर सपोज टू डू इट। अच्छे से उसको काटना पड़ता पत्ता गोभी को, नहीं दिख रही। अच्छे से पत्ता गोभी को काटो पतला पतला, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। ये पता नहीं कौन सी नायलॉन की पत्ता गोभी लिख के आई हूँ मैं। सो स्टेप टू, आलू वी नीड टू पील देम एंड चॉप देम इनटू मीडियम साइज्ड क्यूब्स। एंड आफ्टर चॉपिंग दीज अप वील पुट देम इन वाटर, क्योंकि उससे उसका स्टार्च निकलता है। एंड आई फील अगर तुमने स्टार्च निकाला तो इट्स बेसिकली नो कैलोरीज और तुम खा सकते हो, पर डोंट लिसन टू मी, दैट्स वॉट आई थिंक। ये साइंटिफिक नहीं है गाइज, ऐसा मेरे दिमाग में है ताकि मैं बहुत सारे आलू खा पाऊँ। ट्रोल मत करना इसमें मुझे। आई बी यूजिंग द कैन टमेटोज, कैन टमेटोज। तेल गरम हो जाए तो इसमें विल पुट राई, पहले मैं चेक कर रही हूँ राई। जीरा, जब इसकी फुट फुट आवाज आ जाए देन विल पुट इन द पटेटोज। मैं आलू पहले डाल रही हूँ क्योंकि उनको पकने में टाइम लगता है थोड़ा। हाँ तो जब वो हाफ कुक हो जाएंगे उसके बाद हम सब डालेंगे, क्योंकि हमारी पत्ता गोभी को भी पकने में थोड़ा टाइम लगेगा। टाइम फॉर द गार्लिक टू गो इन। मेरी आवाज़ आ रही होगी नहीं आ रही होगी मुझे पता नहीं है, बट ये कढ़ाई मैं अभी इंडिया से लेके आई, क्योंकि मेरे पहली वाली नॉन स्टिक का वो नीचे का ब्लैक निकल गया था, तो ये नॉन स्टिक नहीं है और मुझे इसको थोड़ा लो हीट पे बनाना पड़ता है इसको, तो ये नीचे पूरा स्टिक हो जाता है। फ्रस्ट्रेटिंग। और ये बहुत हैवी भी है। टमाटर डाल रही हूँ मैं, और मेरी कुकिंग में कोई भी मेजरमेंट्स नहीं है, तो मैं तुमको रेसिपी नहीं बता सकती मेजर कितना मेजरमेंट्स है वगैरह। अपने मन से जितना लगे तुमको उतना डालते जाओ। Follow your gut, guys.
फॉलो योर ड्रीम्स, तुम कुछ भी कर सकते हो लाइफ में, यू कैन डू इट, बट फर्स्ट सब्सक्राइब टू माई चैनल, डू दैट राइट नाउ. ये ब्लॉग बहुत वियर्ड होते जा रहा है फॉर सम रीजन. ये डालने वाली हूँ, दिस इज कांदा लहसुन मसाला. कांदा लहसुन मीन्स अनियन गार्लिक मसाला. अब मैं डालूंगी हल्दी पाउडर. ये मसालों का डब्बा मैं इंडिया से ही लाई थी. यू गॉट टू हैव अ मसालों का डब्बा राइट. फिर रेड चिली पाउडर. मैं थोड़ा तीखा खाना पसंद है, मैं ज़्यादा डालती हूँ. एंड देन किचन किंग मसाला. तो मैं दिखाती हूँ कैसे दिख रहा है अभी. दिस इज हाउ द सब्जी लुक्स राइट नाउ. और मैं इतना सारा अकेले नहीं खाती हूँ, मेरे फ्रेंड्स आ रहे हैं करके मैं ज़्यादा बना रही हूँ. तो इसमें अभी मैं डालूंगी पत्ता गोभी. दिस एंगल इज नॉट वर्किंग फॉर मी. और हाँ, मेरे से कट नहीं रही थी पत्ता गोभी, कट नहीं रही थी मेरे से, तो मैंने मेरे मिक्सर में डाला, चॉपर टाइप का. मेरे मिक्सर में बहुत बारीक नहीं चॉप होता, तो मैंने सोचा मैं थोड़ा उसमें डाल देती हूँ, क्योंकि मेरे हाथ दुखने लग गए थे पत्ता गोभी काट रही थी तो. और मैंने मिक्सर में डाला, वो कुछ ज़्यादा ही पतली हो गई है. पतली मतलब श्रेड हो गई है पूरी. वो टेस्ट में तो अच्छी लगेगी, क्योंकि तुम्हारे पेट में जाके भी वो उनो. हाँ, तो अभी पत्ता गोभी डाल के इसको मिला लेंगे. पत्ता गोभी डाल के मिला लेंगे उसको, और उस पे ढक्कन रख के उसको पका लेंगे. कितने टाइम तक ये मुझे नहीं पता, क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर में देखना पड़ेगा कितना पका है कितना नहीं, मुझे उसका अंदाज़ा नहीं आता. अगर तुमको पत्ता गोभी की सब्ज़ी बनानी है तो मेरी रेसिपी फॉलो मत करो. दिस इज हाउ द सब्जी लुक्स. मैंने इसमें थोड़ा सा मैजिक मसाला भी डाल दिया था, तो अभी टेस्ट करके देखते हैं. Very nice. So I'm going to end today's vlog here, and I know this vlog was a bit weird. All over the place. बहुत सारी चीज़ें हुई इसमें, but तुमने बोला था कि तुमको बड़े vlogs चाहिए, so this is what you get. If you like this video, give this video a like, subscribe to my YouTube channel, share with your family, share with your friends, and I will see you next week. Love you, bye.